हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एम तरुण सिंह चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने पीसी बिल्ड के बारे में जो मैंने नेहरू प्लेस से करवाया और इसकी कॉस्ट मुझे आई 76,800। तो अब मैं आपको बताऊंगा सारे कंपोनेंट्स जो मैंने अपने पीसी बिल्ड में यूज किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के लिए मैंने यूज किया है AMD Ryzen 5 3600। इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड है और इसकी कॉस्ट मेरे को नेहरू प्लेस में पड़ी 16,500। तो चलिए अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए मैंने यूज करा है MSI का B550M Pro VDH Wi-Fi। जब मैं रिसर्च कर रहा था पीसी बिल्ड के लिए तो मेरे को MSI B450 Tomahawk Max हर जगह मतलब सजेस्ट किया जा रहा था, बट मैंने बाद में इसे चूज किया क्योंकि ये लेटेस्ट रिलीज है। B550 चिपसेट है और इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ भी मिल रहा है मेरे को। मेरे को टॉमहॉक मैक्स की कॉस्ट बताई जा रही थी 12,700 और इसकी कॉस्ट मेरे को 13,300 पड़ी। तो सिर्फ 600 में मेरे को वाईफाई और ब्लूटूथ एक्स्ट्रा मिल गया, लेटेस्ट चिपसेट मिल गई, तो इसलिए मैं इसके साथ गया। और रैम में बात करें तो मैंने रैम में 2 स्टिक्स यूज करी है 8-8 GB की कॉर्सेयर वेंजियंस की, जिसकी स्पीड है 3200 MHz। और SSD की बात करें तो मैंने SSD में यूज करी है क्रूशियल की P2 NVMe 500 GB SSD। वैसे मैं इसका P1 वर्जन देख रहा था बट ये लेटेस्ट उसका सक्सेसर मॉडल था तो मैं इसके साथ गया। और PSU में मैंने यूज किया है Corsair का CX550 मॉडल, जो जिसकी वॉटेज है 550 वॉट्स और इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी 5,000 रुपीज। स्टोरेज में मैंने SSD के साथ हार्ड डिस्क भी यूज करी है, जो कि Seagate की 1 TB 7200 RPM स्पीड की हार्ड डिस्क है। और ग्राफिक कार्ड मैंने यूज किया है Zotac का GTX 1660 सुपर, जिसकी कॉस्ट मेरे को 20,500 पड़ी नेहरू प्लेस में। और फाइनली बात आती है कैबिनेट की। तो कैबिनेट में मैं कूलर मास्टर का MB511 के साथ जाना चाहता था बट वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं गया डीप कूल के मैट्रिक्स 55 मैश के साथ, जिसमें कि 3 इंटेक फैंस हैं और 1 एग्जॉस्ट फैन है पीछे। और ये तो बात हो गई सारे कंपोनेंट्स की। तो इन सब की कॉस्ट मेरे को पड़ी 76,800। तो मैं इनका लिंक और प्राइस दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये थे मेरे सारे कंपोनेंट्स जो मैंने यूज करे पीसी बिल्ड के लिए। मैंने पीसी बिल्ड बनवाया है अपनी ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए। ये मैंने 18 अगस्त को बनवाया था। और तो चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।